पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि दो लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी, और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का, ये दोनों शामिल थे। एक तरफ इन दिनों पूरे देश में बलात्कार की घटनाओं को लेकर चिंता है, वही बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जी में कहानी बिल्कुल उल्टी है। दरअसल झांसी में एक गैंग रेप की वारदात को आरोप लगे तो और कही जा रही थी कि प्रेम नगर थाना क्षेत्र में एक किशोरी जब शौच के लाने गई थी तब गांव के तीन युवकों को कार में उठा के ले गए। दो युवकों ने उनके संगे रेप करे। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लो, तत्काल दो युवकों को गिरफ्तार भी कर लो, लेकिन कहानी तो कछु घंटा में पलट गई। दरअसल पुलिस ने जब जांच शुरू करी और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें गांव में कोनू कार आज जात नहीं दिखी। पीड़िता सवेरे 7 बजे अकेले गांव के बाहर से ऑटो में बैठत कैमरा में कैद भई, के बाद झांसी के जेल चौराहे पहुंची, पैदल किले तक पहुंची जो रास्ते में लगे कैमरों में कैद हो गई। इसके बाद किले पे अपने बॉयफ्रेंड को इंतजार करत रही। उनके ना आवे पे जा किशोरी ऑटो से अपनी बुआ के घर सवेरे लगभग 10:15 पहुंची। इतने किशोरी की बुआ, बुआ के लड़का ने अपनी पुरानी रंजिश निकाल के विरोधियों को फंसावे और मोटी रकम वसूलवे को प्लान बनाओ और गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ दई, लेकिन कैमरों ने पूरी की पूरी पोल खोल दई। झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता का परिवार द्वारा एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में दो लोग इनको बिठा कर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरों को देखा गया था उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा कंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था, उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि दो लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी, और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का, ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुँच कर बुआ का घर पहुँच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुँच गई। पहुँचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझा कर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें दो निर्दोष लोग अनावश्यक रूप में जेल जाने थे। पुलिस का विवेचना से वो दोनों जेल जाने से बच गए थे। सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो फर्जी सूचना इस तरह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्राविधान है, उसके तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया, विवेचना के दौरान ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि वो दोनों अभियुक्त इस घटना में शामिल नहीं थे, वो दोनों निर्दोष। जो मैंने अभी पहले बताया था कि सेक्शन 22 पॉक्सो एक्ट के तहत जो इसमें फर्जी सूचना देकर किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश किए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस ने लड़की, उनकी बुआ और बुआ के बेटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करी है, लेकिन ये वारदात से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और खासतौर पर ऐसी वारदातें बलात्कार जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मुहिम को भी कई जगह झटका देती है। काय के
झूठ और सच के बीच को अंतर जांच के बाद ही पता चल पात। लेकिन ऐसी वारदात और ऐसी साजिश अपने आप में बड़ी घिनौनी है, काय के कई निर्दोष लोग इस मामले में फंसा दिए गए हैं। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली, बोछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।